हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज चिंजन, दिस इज दिमंजी, वेलकम बैक टू चैनल। बहुत एक इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। बहुत दिनों से आप लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्योर सिल्क के साड़ियाँ दिखाइए कम रेंज पे। अब प्योर सिल्क के साड़ियाँ कम रेंज में नहीं दिखा रहे हैं, बट प्योर सिल्क के कॉन्सेप्ट के साड़ियाँ और भी ज़्यादा कम रेंज में दिखाने वाले हैं आप लोगों को आज के एपिसोड में। तो होपफुली पसंद आएगा। जल्दी से एपिसोड को शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक बार तो बोलना ही पड़ेगा, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम हैंडल pics_shinjin, एंड साड़ी को ऑर्डर करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेके हमारे स्क्रीन में दिखाया गया व्हाट्सएप नंबर पे भेजना पड़ेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, एंड आई एम वेरी श्योर कि आज का जो एपिसोड है आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसका मेन रीज़न ये है कि सभी साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस रेंज में हैं, एकदम जिसे हम लोग बजट रेंज साड़ियाँ कहते हैं बिल्कुल उसी प्राइस रेंज में हैं। एंड आज का जो जॉनर आप लोगों को हम लोग दिखाने वाले हैं, ये पहली बार हमारे चैनल में दिखा रहे हैं। हम लोग रेप्लिका कतान बनारसी साड़ियाँ दिखाते हैं, रेप्लिका टसर साड़ियाँ दिखाते हैं, प्रिंटेड टसर की साड़ियाँ दिखाते हैं। आज के एपिसोड में हम आप लोगों को रेप्लिका प्रिंटेड प्योर सिल्क साड़ियाँ जो आप लोग जो प्रिंटेड प्योर सिल्क पहनते हैं एंड आपने अपने मम्मी को एंड यू नो आपके रिलेटिव्स को पहनते हुए देखा है, वही प्योर प्रिंटेड सिल्क साड़ियों का लुक हम लोग सेमी सिल्क में आप लोगों को दिखाने वाले हैं। इससे क्या होगा, बजट जो है साड़ियों का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड ऑफकोर्स डेली यूसेज के लिए ये सब साड़ियाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर फ्लोई फैब्रिक है, ड्रेप इनका बहुत अच्छा आता है, फॉल यू नो प्लीट्स बहुत अच्छे आते हैं साड़ी के। यू नो कि प्योर सिल्क साड़ियों का लुक एंड फील कैसा होता है, वो हमने एग्जैक्ट मैच कर दिया है। इनका प्रिंट्स का पैटर्न, साड़ी का यू नो हैंड फील, वो सब कुछ हमने प्योर सिल्क जैसा रखा है। इट्स जस्ट दैट द बेस मटेरियल इज़ नॉट 100% प्योर सिल्क मार्क सर्टिफाइड सिल्क टू ब्रिंग इट इन योर बजट। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द साड़ी दैट आई एम वेयरिंग टूडे। एंड इस साड़ी के मैं आप लोगों को कुछ कलर ऑप्शंस भी दिखाने वाली हूँ। तो द फर्स्ट कलर ऑप्शन इज इन ग्रे, इट्स अ ब्यूटिफुल केरी पेजली मोटिव साड़ी में है, बिल्कुल एकदम जो सिल्क मार्क सर्टिफाइड प्योर सिल्क के साड़ियाँ होते हैं प्रिंटेड, उसी पैटर्न में हमने इनका प्रिंट्स रखा है। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटिफुल डिज़ाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला लाइन जो है ये कलमकारी से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो जयपुर के बागड़ू के प्रिंटेड साड़ियों से है उससे लिया गया है। तो पूरा ओवरऑल ट्रेडिशनल साड़ियों से इंस्पायर्ड होके ही हमने बनाया है, बट द बेस फैब्रिक जो हमने डेवलप किए हैं वो एकदम हूबहू प्योर सिल्क के जैसा मैच करता है। साउंड भी उसका वैसा आता है। हैंड फील आप देख सकते हैं, पूरा हूबहू हमने हैंड फील एंड लुक मैच किया है प्योर सिल्क के साड़ियों को, मतलब प्योर सिल्क के साड़ियों के साथ। ऑल ओवर देख लेंगे, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, लाइट वेट एंड ईजीली ड्रेपेबल, एंड ऑफकोर्स डेली यूजेज के लिए परफेक्ट रहेगा। होम वॉश कर सकते हैं, मतलब मिनिमम मेंटेनेंस भी नहीं, जीरो मेंटेनेंस है ये सभी साड़ियों में, एंड ऑलरेडी बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। सो ओवरऑल ये साड़ी स्पेशली डेली ऑफिस गोअर्स है या डेली साड़ी जिन लोगों को पहनना होता है उन लोगों के लिए डेवलप किया गया है, एंड जो लोग हेविली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है उन लोगों के लिए परफेक्टली ये हमने वीव किए हैं ये सभी साड़ियों को। होपफुली पसंद आया। साड़ी के साथ ब्लाउज पीस आप देख सकते हैं रनिंग में बन जाता है विद दिस अगेन सेम प्रिंट बट इन अ डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट विद द बॉर्डर फॉर योर स्लीव्स। दिस इज द सेकेंड कलर ऑप्शन जो हमने ग्रीन में रखा है। कलर्स मतलब जो कलर के शेड्स का हमने इस्तेमाल किए हैं बिल्कुल प्योर सिल्क प्रिंटेड साड़ियों को रेप्लीकेट करते हुए हमने किया है, बिकॉज ऐसे कलर्स ऐसे फिनिशिंग हम लोग देखते हैं प्योर सिल्क प्रिंटेड साड़ियों में। Absolutely. पल्लू इज आल्सो वेरी लॉन्ग एंड सेम डिजाइन सेम कॉन्सेप्ट जस्ट द बेस फैब्रिक कलर इज डिफरेंट। यहाँ पर डिटेलिंग देखिए, प्रिंट के अंदर भी डिटेलिंग बहुत सारे हैं, बेस फैब्रिक का थ्रेड्स देखिए, शाइन देखिए फैब्रिक का, ब्यूटीफुल फ्लोई फैब्रिक, हैंड फील बहुत अच्छा आएगा एंड बहुत बहुत इजीली ड्रेप हो जाएगा। ऑल ओवर देख लेंगे साड़ी को, ब्यूटीफुल डिजाइंस। स्प्रिंग समर 2024 के लिए ये सभी साड़ियों को हमने डेवलप किए हैं, होपफुली आप लोगों को पसंद आया। स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे व्हाट्सएप टीम को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में दिख रहा है ऑर्डर करने के लिए। दिस इज द ब्लाउज पीस, रनिंग में आता है। दिस इज द थर्ड कलर ऑप्शन,
कलर ऑप्शन सी एक ब्यूटीफुल चेस्टनट ब्राउन कलर में जा रहा है। अगेन ऐसे ब्राउन शेड्स भी हम लोग प्रिंटेड प्योर सिल्क की साड़ियों में देखते हैं। एंड अगेन रेगुलर ऑफिस गोअर्स जो है वो ऐसे कलर्स भी बहुत प्रेफर करते हैं, देखने में बहुत एलिगेंट भी लगता है एंड लो मेंटेनेंस भी होता है। प्लीज कमेंट पे मेंशन करके बताइए मुझे कैसा लग रहा है ऑल ओवर द थिंग। इसके यू नो बॉर्डर में हर एक प्रिंट में हर एक मैं एक बार क्लोजली आप लोगों को दिखाना चाहूंगी इसका जो जाल वर्क कैसे बना है। देखिए ऐसे दो दो केरी पेजली यू नो केरी पेजली पेयर्स से ये लीफ पेयर एंड केरी पेजली पेयर से ये पूरा जो डिजाइन का बॉडी का जो डिजाइन है वो बना हुआ है। एब्सोल्युटली ऑल ओवर देखेंगे। एंड आप लोग थोड़ा बहुत इसके साथ आई थिंक रेजोनेट कर सकते हैं, थोड़ा यू नो फेमिलियर होंगे ऐसे टाइप के प्रिंट्स के साथ। स्पेशली आई थिंक एवरी बंगाली हाउस होल्ड हैज़ अ प्योर सिल्क प्रिंटेड साड़ी लाइक दिस इन देयर वार्डरोब। माय मदर लव्स प्रिंटेड प्योर सिल्क साड़ीज बिकॉज बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतना सा जगह लेते हैं कवर्ड में, यू नो फोल्ड होने के बाद ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं, पहनने के बाद बहुत कम्फर्टेबल भी होता है। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, सेम कॉन्सेप्ट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर में जो कलर है वही सेम कलर हमने ब्लाउज पीस के लिए भी इस्तेमाल किए हैं। एंड दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट कलर ऑप्शन इन दिस डिजाइन। सो दिस इज साड़ी नंबर 1D एंड दिस इज इन अ ब्यूटीफुल यू नो लाइक अ ब्राउनिश मॉव कलर। सो वेरी नाइस कलर। यस इट्स अ वेरी वेरी नाइस कलर, ब्यूटीफुल डिजाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल शाइन इन द बेस फैब्रिक ऑल ओवर द थिंग। लवली डिजाइन। प्लीज कमेंट में मेंशन करके हमें बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ये वाला साड़ी में हमने चार कलर ऑप्शंस दिखाए हैं, सो समर टाइम में आपके लिए कौन सा कलर ज़्यादा सूटेबल है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप बता सकते हैं। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर आज का कलेक्शन अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको पता है क्या करना है। दिस इज़ द ब्लाउज पीस, दिस इज़ द नेक्स्ट पीस। इस पूरे साड़ी में आपको एक बहुत खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट देखने को मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेली यूजेज को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये सभी साड़ियों को डेवलप किए हैं। सिर्फ और सिर्फ डेली यूजेज के लिए ये सभी साड़ियाँ हमने डेवलप किए हैं। बहुत बहुत खूबसूरत साड़ी है, लाइट वेट है, बिल्कुल फेदर वेट लाइट है। मतलब ये एक एक साड़ी आप कह सकते हैं कि 250 ग्राम क्रॉस नहीं करेगा, मतलब 300 ग्राम से भी कम है ये एक एक साड़ी का वेट, इतना ज़्यादा लाइट वेट है। सो बहुत बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए डेली यूजेज के लिए कैरी करने के लिए। दिस इज़ द ब्लाउज पीस, अमेजिंग डिज़ाइन। मैं आप लोगों को क्लोजर दिखाता हूँ, ब्लाउज पीस में भी देखिए ऑल ओवर प्रिंट आपको देखने को मिलेगा विद द बॉर्डर। Same design का, this is the second color option. बेस फैब्रिक का शाइन देखिए, क्वालिटी आपको तभी समझ आएगा। बेस फैब्रिक में जो शाइन हमने फैब्रिक में अचीव किए हैं वो एकदम क्लोज टू प्योर सिल्क है, तो मतलब हमने बहुत बहुत क्लोजली मैच करने का कोशिश किए हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा है। ब्यूटीफुल डिज़ाइन, दिस इज द सेकेंड कलर ऑप्शन एंड ब्लाउज पीस आपको रनिंग में मिलता है, हालांकि ब्लाउज पीस में भी ऑल ओवर प्रिंट आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट कलर ऑप्शन इन द सेम डिज़ाइन। दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्लूइश ग्रे कलर, इट्स वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट। एंड यू नो आप लोग ऑब्वियसली इसको ऑफिस
में पहन सकते हैं, स्कूल कॉलेज टीचर है आप, या कोई मीटिंग भी है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, मतलब एकदम कॉर्पोरेट एंड ऑफिशियल यूजेज के लिए परफेक्ट है। डेली आप पहन के ऑफिस जा सकते हैं, आपके काम में जा सकते हैं, ऐसे साड़ियाँ हैं। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप आराम से बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभार आपके ध्यान में आ सकता है कि इतना महंगा साड़ी पहन के मैं बस में कैसे ट्रैवल करूँ, इतना महंगा साड़ी पहन के मैं मतलब ट्रेन में कैसे ट्रैवल करूँ। बिल्कुल ये सब चीज़ें चिंता करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये सभी साड़ियाँ उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने डेवलप किए हैं, आप आराम से बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। दिस इज़ द ब्लाउज पीस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिज़ाइन जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम कलमकारी। सो ये जो डिज़ाइन है ये ग्रीन में जा रहा है, इसका मैं एक और कलर आप लोग को रखूँगी, दिस इज कलर ऑप्शन है, डार्क पिस्टाशियम ग्रीन है इसमें, एकदम ट्रेडिशनल कलमकारी जो होते हैं स्पेशली कॉटन के ऊपर जो कलमकारी आप लोग देखते हैं उसी पैटर्न के प्रिंट्स को हमने इसमें। तो ये प्रिंट है, पूरा साड़ी ऐसे ही जाए। होपफुली आप लोग को पसंद आ रहा है, बहुत बहुत खूबसूरत साड़ी है ग्रीन के ऊपर। फैब्रिक एकदम सेम टू सेम है, जस्ट हमने कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। एंड साड़ी के साथ ब्लाउज पीस आप देखिए डेनिम में मिलेगा, बट ब्लाउज पीस में आप देखिए डिस्चार्ज प्रिंट में आपको मिलेगा विद द बॉर्डर फॉर योर स्लीव्स। दिस इज द कलर ऑप्शन दैट आई एम गोइंग टू शो यू फॉर द लास्ट साड़ी। ग्रीन में जो हमने दिखाया था ये उसी का एक ग्रे ऑप्शन है, ये चारकोल कलर का कहने से ज्यादा परफेक्ट होगा। इट्स लुकिंग वेरी स्मार्ट, इट इज लुकिंग स्मार्ट। वेरी वेरी नाइस डिजाइन, प्लीज कमेंट में मेंशन करके हमें बताइए कैसा लग रहा है। साड़ी का बेस फैब्रिक कलर के साथ मैच करके दिया है, बट जो प्रिंटेड कलर है उसके साथ पूरा कंट्रास्ट में दिया। एक और ब्यूटीफुल पीस की तरफ बढ़ते हैं, इसका कलर आप लोग देख सकते हैं, बेस कलर काफी यू नो वाइब्रेंट कलर है, लाइट है एंड सोबर ब्लू। दिस इज द पीस। हर एक साड़ी में ये जो फ्लोरल प्रिंट्स है उसके जो कलर कॉम्बिनेशन है दीज आर ऑल मेड इन आवर फ्यूजन स्टूडियो। यस, कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पूरा फ्यूजन स्टूडियो में रेडी किए हैं। बेस फैब्रिक को हमने प्योर सिल्क का रेप्लिका इस्तेमाल किया है। ये भी कलमकारी इंस्पायर्ड प्रिंट्स हैं। ब्यूटिफुल, आप लोग बेस फैब्रिक कलर देख रहे हैं, येलोइश क्रीम कलर है, उसके साथ हमने जो प्रिंट रखे हैं वो प्राइमरीली पिंक एंड ब्लू में है। एंड ये जो बॉर्डर का कलर आप लोग देख रहे हैं इट्स इन अ मेहंदी ग्रीन काइंड ऑफ कलर, उसी कलर का स्टेम है पूरे साड़ी में। सो द सिमेट्री दैट वी हैव केप्ट इन ईच एंड एवरी साड़ी इज वेरी वेरी नाइस। दीज आर एक्सट्रीमली बजट फ्रेंडली येट दे लुक वेरी यू नो क्लासी। एब्सोल्युटली, लेट मी शो यू द ब्लाउज पीस। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। This is color option B. Color option B को हमने green में develop किए हैं। And body में जो floral print है, उसको हमने रखा है yellow and pink में। It's looking very nice. और ये जो dark green है, उसी dark green color का आपको border भी देखने को मिलेगा and stem color भी देखने को मिलेगा। Yes. Color combination is very very important when it comes to prints. बिकॉज पूरा जो साड़ी का लुक है वो प्रिंट के कलर मैचिंग एंड कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर ही रिलाई करता है। एंड वी वॉन्टेड टू मेक दिस साड़ी एकदम प्योर सिल्क प्रिंटेड साड़ी लुक अलाइक, सो द कलर्स नीड टू बी चोजन इन दैट वे। होपफुली आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों को आज के एपिसोड के साड़ी के कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं। एंड तक साड़ी ऐसे ही जाएगा एंड अगेन यू गेट अ प्रिंटेड ब्लाउज पीस विथ बॉर्डर। This is color option C in peanut brown color. जो peanuts होते हैं उसके जो shell का जो color होता है फिर या peanut skin का जो color होता है बिल्कुल उसी color में हमने इस साड़ी को रखा है। Yes. Very nice.
हमने ग्रीन एंड लाइन कलर को यूज किया है बॉडी के फ्लोरल प्रिंट्स के लिए, एंड स्टेम को हमने इसी सेम पीनट ब्राउन में ही रखा है, एंड जो बेस कलर है वो एक लाइटर वर्जन है, पीनट ब्राउन का ही एक लाइट शेड हमने बेस कलर में दिया है। पूरे साड़ी में आपको एक समान प्रिंट देखने को मिलेगा, एंड ऑफकोर्स अगेन यू गेट दिस सेम कॉन्सेप्ट का प्रिंटेड ब्लाउज पीस। दिस इज कलर ऑप्शन डी जो हमने ग्रे में रखा है। इस साड़ी में आपको स्लेट ग्रे, स्टील ग्रे, ग्रे के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को स्लेट ग्रे दिख रहा होगा, थोड़ा जो डार्कर ग्रे शेड आप लोग देख रहे हैं। बॉडी में हमने पिंक एंड येलो से फ्लोरल प्रिंट दिया है, इसी स्लेट ग्रे कलर का स्टेम आपको पूरे साड़ी में दिखेगा। सो इट टुक अस सम टाइम इन द फ्यूजन स्टूडियो टू मेक श्योर दैट द कलर कॉम्बिनेशंस आर नाइस, and you know these sarees are wearable for years to come because anyway these sarees are quite durable, ye kharab nahi honge inka jo material hai, aap log ise daily usage ke liye dho kar regularly pehen sakte hain, they will remain as good। aapko thoda sa khyal rakhna hai sareeyon ko ghar pe dhote time, please try to use some good premium liquid detergent to wash your sarees so as to maintain the shine, do not dry them in direct sunlight to maintain the color, nahi to fade ho jayega, ठीक है। एंड प्लीज डू नॉट वॉश देम इन वॉशिंग मशीन टू मेंटेन द टेक्सचर, वरना साड़ी का ये जो ड्यूरेबिलिटी है वो नहीं रहेगा। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, दिस इज द नेक्स्ट डिजाइन। इसके भी दो कलर ऑप्शंस मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये थोड़ा बॉर्डरलेस कॉन्सेप्ट में हमने क्रिएट करने की कोशिश की है विद अ सिंगल यू नो सॉलिड इंची बॉर्डर सॉर्ट ऑफ, एंड बॉडी का जो प्रिंट है वो देखिए, that is the highlight, entire sari ka highlight hai ye wala print, just look at the base body design, such an amazing design, close up dikha aap dekhe detail shine dekh rahe the aap dekho pura pure silk ke jaisa lag raha hai, duniya mein koi bhi aapko pehante hue dekhega agar to use koi kahe nahi paega ye pure silk nahi hai, na guarantee leta hu main, all over sari dekhenge, it's a very very elegant and rich looking piece। सेमी सिल्क है तो क्या हुआ, वी हैव ट्राइड के नो जो कलर है एकदम क्लोज टू परफेक्ट, एकदम प्योर जैसा लगे, एंड आज के एपिसोड में से कोई भी साड़ी पसंद आए स्क्रीनशॉट लेके हमारे स्क्रीन में दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज के आप ऑर्डर कर सकते हैं। द प्रोसेस इज रियली सिंपल एंड वी डू डिलीवर ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज द ब्लाउज पीस एंड सेम साड़ी का ये कलर ऑप्शन बी है जो ये ब्यूटीफुल बर्गंडी पर्पल कलर में जा रहा है। पल्लू फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल डिजाइन एंड कलर्स हमने इस्तेमाल किए हैं। देखिए ऑल द कलर्स आर समर फ्रेंडली, हर एक कलर समर को ध्यान में रखते हुए हमने डेवलप किए हैं। ऑल्सो डेली यूजेज को भी ध्यान में रखा है हमने ताकि आप लोग इसे डेली वेयर के हिसाब से विदाउट थिंकिंग सो मच, विदाउट टू मच टेंशन यू कैन वेयर दिस साड़ीज ऑन अ रेगुलर बेसिस। एब्सोल्युटली होपफुली आप लोग को पसंद आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। एक्सेलेंट डिज़ाइन। आज का जो एपिसोड है वो एकदम प्योर सिल्क रेप्लिका साड़ीज़ के ऊपर बेस करके था, एंड बहुत सारे प्रिंट्स दिखाए हैं आप लोगों को, होपफुली पसंद आया। बट अभी एकदम ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट का प्रिंट आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, होपफुली ये भी पसंद आएगा। नाउ इट्स टाइम टू सी दीपांजलिस शोस्टॉपर साड़ी। शोस्टॉपर साड़ी के दो अलग अलग डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड दोनों डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के मैं आपको दो दो कलर ऑप्शन दिखाने वाली हूँ। सो अभी तक आज के एपिसोड में हम जो भी साड़ियाँ दिखा रहे थे, या तो फ्लोरल मोटिव था, नहीं तो केरी पेजली मोटिव था, किसी भी साड़ी में कोई फिगर मोटिव नहीं था, पर शोस्टॉपर साड़ी में आपको फिगर मोटिव हम लोग शोकेस करने वाले हैं। तो शोस्टॉपर ऑप्शन वन जो है उसका पहला कलर ऑप्शन, कलर ऑप्शन ए आप लोगों को दिखाते हैं। अगेन पीनट ब्राउन के ऊपर ये ब्यूटीफुल ह्यूमन फिगर मोटिव आपको देखने को मिलेगा। ये जो शोस्टॉपर ऑप्शन वन है उसका ये पहला कलर ऑप्शन है। कलर ऑप्शन ए ये ब्यूटीफुल लवली पीनट ब्राउन में है,
This is the pallu. This beautiful floral motif pallu you are getting. Yes. Beautiful. The USP of this sari is actually this figure motif and the lower border. Yes. Hopefully, आप लोगों को पसंद आ रहा है. And यहाँ पर आप देखिए, it's a discharge print and this is the narrow border. पल्लू में ये जो floral pattern आप लोग देख रहे हैं, ये upper border में भी ऐसे ही continue होगा. Yes, all over देख रहे हैं सारी को. Color combination is very very nice. It's a beautiful different concept of sari. I personally love the design, love the concept. Hopefully आप लोगों को भी पसंद आ रहा है. नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें बताइएगा. This is design option A and color option A. Okay, design number one, color option A, showstopper sari का. This is the blouse piece, stripes के ऊपर running में मिलेगा. Narrow floral border on both sides. Showstopper design option one का ये color option B है, जो ये sea green color में जा रहा है. आई थिंक आप लोगों को कैमरा में ये कलर ब्लूइश लग रहा है देखने में, बट दिस इज अ सी ग्रीन कलर. वाओ, सच एन अमेजिंग पीस. प्लीज कमेंट पे मेंशन करके हमें बताइएगा. डिटेलिंग देखिए यहाँ पे, ऑल ओवर देख लेंगे. बहुत बहुत खूबसूरत है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली. And sometimes these figure motifs, agar it is made and placed perfectly, it gives the sari such an elegant look. And वो इस सारी में बहुत ही clearly आप लोगों को नजर भी आ रहा है, because हम लोग hand painted figure motif कलमकारी हमने दिखाया था, बहुत ही कम दिखाया था, because उन्हें बनाना भी बहुत difficult होता है. उसमें आप लोगों ने ऐसे figure motifs देखे थे. Absolutely. Now it's time to show you the blouse piece. जो लास्ट साड़ी जैसे ही सेम स्ट्राइप्ड कॉन्सेप्ट में जा रहा है एंड इट इज नेवर बॉर्डर. दिस इज शो स्टॉपर ऑप्शन टू, जिसका ये कलर ऑप्शन ए है. सो ये जो पैटर्न अभी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं, फिगर मोटिव है, बट इसमें ह्यूमन फिगर मोटिव नहीं है. इसमें आपको एनिमल फिगर मोटिव एंड स्पेसिफिकली आपको एलिफेंट मोटिव देखने को मिलेगा. इसके मैं आपको दो कलर ऑप्शन दिखाने वाली हूँ. दिस इज कलर ऑप्शन ए एंड इसके बॉडी में आपको एक पार्टिक का डिस्चार्ज प्रिंट देखने को मिलेगा, क्रैक पार्टिक का. दिस इज द पल्लू. यू कैन सी दिस इज द पल्लू, दिस इज द बॉटम पोर्शन. दिस इज आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल अमेजिंग डिजाइन. होपफुली आप लोगों को पसंद आ रहा है. ऑल ओवर देख लेंगे. दिस एलिफेंट मोटिव इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट एलिफेंट मोटिव. एब्सोल्युटली. कलर कॉम्बिनेशन भी हमने ऐसे रखा है कि लोअर बॉर्डर जो है, जिसमें हमने इतना सारा यू नो प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, वो हाईलाइट हो, नजर आए जो लोअर बॉर्डर में. इसके लिए हमने कलर्स भी ऐसे रखे हैं. ट्रू दैट. ब्यूटीफुल डिजाइन. एंड तक आपको वर्क देखने को मिला एंड ब्लाउज पीस आपको रनिंग में मिला सेम स्ट्राइप्स के साथ बॉर्डर. एंड दिस इज द लास्ट साड़ी ऑफ टूडेज एपिसोड. शो स्टॉपर ऑप्शन जो टू है, उसका ये कलर ऑप्शन बी है. ये ब्यूटिफुल ओशन ब्लू कलर में जा रहा है. दिस इज नॉट ग्रीन, दिस इज ब्लू ओनली एंड दिस इज द परफेक्ट ओशन ब्लू कलर. जैसे ओशन के पानी के शेड्स होते हैं, वैसे ही शेडिंग में भी हमने इसको रखा है. एंड बॉडी में जो क्रैक पार्टिक है, उसमें हमने एक डार्कर शेड ऑफ ब्लू को दिया. एब्सोल्युटली. एंड यहां पर आप देखिए, दिस इज द बॉटम पोर्शन. अगेन वी हैव मेड श्योर कि जो एलिफेंट मोटिव के कलर कॉम्बिनेशन हम लोग ऐसे रखें कि साड़ी पहनने के बाद यू नो इट ग्रैब्स योर अटेंशन. दिस बॉर्डर शुड बी हाइलाइटेड. यस, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आज का एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को? प्लीज़ पूरा कलेक्शन देखने के बाद अगर अच्छा लगा, लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा. इट रियली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड. ब्लाउज पीस विद स्ट्राइप्स एंड बॉर्डर. एब्सोल्युटली, दिस इज द ब्लाउज पीस. तो कैसा लगा हमारा
आज का एपिसोड प्लीज प्लीज कमेंट पे मेंशन करके बताइएगा। एकदम ही नया कॉन्सेप्ट के ऊपर था, नया फैब्रिक था, होपफुली आप लोग को पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे गुड, गॉड स्पीड, गॉड ब्लेस एवरीवन, एंड वी विल नॉट एंजॉय समर, पीस आउट, बाय एवरीवन।